नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आप देख रहे हैं ट्रेडर्स ड्रीम। और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया मार्ट स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक को डिस्कस करने का मुख्य कारण ये है कि टेक्निकली इस समय ये स्टॉक वीक लग रहा है और अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ब्रेक करते हुए दिखा है। तो आप में से बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर रहे होंगे जिन्होंने इस स्टॉक को पहले से ही होल्ड कर रखा है, और बहुत सारे ऐसे शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी रहे होंगे जिन्होंने या तो ऑप्शन में बाइंग कर रखा है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग के पर्पज से बाइंग कर रखा होगा। तो इस एपिसोड में लास्ट तक जरूर बने रहे, जहां इस स्टॉक के ट्रेंड को डिस्कस करने के साथ साथ फंडामेंटल भी देखेंगे। फंडामेंटली ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है जिसका ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40% के आसपास है। ROE जो है रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड वो भी 30% के आसपास है। प्रमोटर की होल्डिंग 50% के आसपास है। 27% की होल्डिंग फॉरेन इन्वेस्टर की है जो कि बढ़ते हुए दिखी है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर की होल्डिंग 4-5% के आसपास है। बाकी का 17-18% का होल्डिंग जो है वो पब्लिक के आसपास है। यानी होल्डिंग पैटर्न के प्रोस्पेक्टिव से ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक लगता है, जहां FI और DI की दिलचस्पी बहुत ज्यादा इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है जहां ये बिजनेस टू बिजनेस में डीलिंग करती है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। साथ में ही टेक्निकली इस स्टॉक को देखें तो टेक्निकली इस समय ये स्टॉक वीक लग रहा है, जहां इसने 6800 के प्राइस को ब्रेक करते हुए दिखा है और उसके नीचे ट्रेड होते हुए दिख रहा है। हालांकि आज के ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक ने 6700 के ऊपर के प्राइस 6720 के आसपास के प्राइस तक गया था, लेकिन वहां से कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड दिखा और इस समय 6600 और 6600 के नीचे ट्रेड होते हुए दिख रहा है। और साथ में ही अगर इस स्टॉक के आप डिलीवरी परसेंटेज को देखेंगे तो आप पाएंगे कि 40-60% के आसपास की डिलीवरी कंटिन्यूअस इस स्टॉक के अंदर जाते हुए दिख रही है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि इस स्टॉक के अंदर जो इन्वेस्टर हैं वो इस स्टॉक को एक्युमुलेट कर रहे हैं। आपने इस स्टॉक को ट्रेडिंग पर्पस के लिए बाई कर रखा है कि 5-7 दिन के अंदर बाइंग करके कुछ पैसा बना ले, तो इमीडिएट इस स्टॉक को यहां से आप एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में इस स्टॉक के अंदर जो है 6200-5800 के आसपास का जो है नेक्स्ट सपोर्ट है और उस सपोर्ट को भी ये प्राइस टच कर सकता है। इसीलिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर इस स्टॉक से अभी अवॉइड करें। बाकी अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पर्पस से इस स्टॉक को बाय करना है तो यहां से एक्युमुलेट कर सकते हैं, जहां डेफिनेटली इस स्टॉक का टारगेट जो है 10,000+, जो कि मैं पिछले कई वीडियो में भी कहा भी हूं और आपने पास्ट में भी देखा कि 9,000 के आसपास के प्राइस को इस स्टॉक ने टच किया है, तो इन्वेस्टर के लिए यहां से एक आइडियल बाइंग हो सकता है, लेकिन ट्रेडर यहां से इस स्टॉक को अवॉइड करे। नमस्कार।